एबीपीएस न्यूज सच का साथी। एबीपीएस न्यूज टीम का कारवां आगे बढ़ते हुए जिला अमरोहा पहुंचा, जहां पर देखा गया कि गांव में ग्राम प्रधानों द्वारा सोलर लाइटों का निर्माण कराया गया, तो वहीं नलों को रिबोर कराकर स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम प्रधान के प्रयासों से शौचालयों का निर्माण कराया गया, तो इसके साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं जो सरकारों द्वारा चलाई गई उन्हें आम जन मानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया, ताकि लोग अच्छे से अपना रास्ता तय कर सके। इसमें सीसी रोड के साथ साथ टाइल्स वाली रोड के अलावा कच्चे काम के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से भी रास्तों का निर्माण कराया गया है, तो वहीं प्राथमिक विद्यालयों में भी ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि के द्वारा तमाम कार्य कराए, चाहे वो मॉडल शौचालय का मामला हो, चाहे स्कूल में टाइल्स बिछाने का मामला हो। आगे की बात सुनते हैं सीधे ग्राम प्रधान की जुबानी। प्रधान सिंह जी, मेरी ग्राम पंचायत में कुछ समस्या है, जैसा कि खेल का मैदान है बच्चों का, उस पर अवैध कब्जा है, और जैसा हॉस्पिटल फील्ड की जगह है उस पर अवैध कब्जा है। ये मेरा दोनों जगहों का अवैध कब्जा हटवाया जाए, सफाई कर्मचारी भी नहीं है। एक साल हो गया सफाई कर्मचारी तैनात किया जावे, और लगभग 500 मीटर जल निकासी का रास्ता खराब हो रहा है, उसमें नाले का निर्माण होना चाहिए, और गांव में ट्रांसफार्मर की भी आवश्यकता है, जो कि कुछ पोलों की भी आवश्यकता है, जो कि मेरा गांव लगभग आधे से ज़्यादा अंधेरे में रह रहा है, और 5000 की आबादी है। इसमें और भी व्यवस्था करी जाए कुछ, जैसे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है और ग्राम पंचायत भवन है, इसकी भी व्यवस्था की जाए।